नमामि गंगे परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों में गंभीर बीमारियां पनपने लगी हैं। यहां तक कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम का कहना है कि गंगा के किनारे बसे हुए लोगों को जीवन बचाने के लिए एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। अजय वासुदेव जी ने एक RTI फाइल किया जिसके तहत जल शक्ति मंत्रालय ने RTI में जवाब दिया कि नमामि गंगे परियोजना पर 2014 से लेकर के 2023 तक लगभग 14,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो यह हो कैसे सकता है कि 14,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी गंगा साफ होने की बजाय और गंदी हो गई है। यहां तक कि किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए अब बड़ी बड़ी बीमारियां होना आम बात हो चुकी है। अमर उजाला के 21 जुलाई 2022 के संस्करण में छपी रिपोर्ट के अनुसार नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार का आरोप इस बार जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने लगाया था। योजना में गड़बड़ झाले के पहले भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने विधानसभा के प्रश्न पहर में पूछा था कि 2017 से लेकर के 2022 के बीच नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति में कितनी धनराशि का व्यय किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना में 17,411 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। दरअसल सरकार ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी की कंपनी को गंगा के प्रदूषण को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका अडानी कंपनी को दे दिया और उसमें इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखे कि यदि गंगा नदी साफ नहीं होती है तो इस पर कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। 28 जुलाई 2022 को बड़ास 4 मीडिया में गिरीश मालवीय की छपी रिपोर्ट के अनुसार गंगा के प्रदूषण को साफ करने वाला सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान अडानी कंपनी चला रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का खुलासा हुआ तो जज ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि अडानी से किए कॉन्ट्रैक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि किसी समय प्लांट में क्षमता से अधिक गंदा पानी आया तो शोधित करने की जवाबदेही कंपनी की नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे करार से गंगा साफ नहीं होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजना बन रही है जिससे दूसरों को लाभ पहुंचाया जा सके और जवाबदेही किसी की ना हो। ऐसा करार कर लिया गया है कि कंपनी बिना ट्रीटमेंट के ही पैसे लेती रहे, यानी जो 14,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं और गंगा साफ होने की बजाय और गंदी हो चुकी है, यह 14,000 करोड़ उस कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं जिसने बिना गंगा नदी का ट्रीटमेंट के ही पैसे ले लिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के कामकाज पर उंगली उठाते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बोर्ड साइलेंट इंस्पेक्टर बना हुआ है, इसकी जरूरत ही क्या है, इसे बंद कर दिया जाना चाहिए, एक्शन लेने में क्या डर है, कानून में बोर्ड को अभियोग तक चलाने का अधिकार है। परंतु अब सवाल यह उठता है कि अडानी की कंपनी यानी अडानी ग्रुप के खिलाफ अभियोग कौन चलाएगा। सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप की मित्रता किनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, परंतु वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट से अपनी आंखें मूंद ली हैं। ऐसा लगता है कि नमामि गंगे में चल रहे इस फ्रॉड और भ्रष्टाचार को देखने वाला कोई नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए और हमें बताइए कि क्या अडानी ग्रुप पर, क्या जो कंपनी है जिसको नमामि गंगे में गंगा नदी को क्लीन करने का ठेका दिया गया था, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो जांच के दायरे में आते हैं और जांच होने के बाद इस कंपनी से क्या मुआवजा वसूला जाना चाहिए या इन पर भारी जुर्माना लगना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।